सो आज मैं इस प्रोजेक्ट का जो एनालिसिस करने वाला हूँ वो लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस रहने वाला है। जैसे हमसे लोग सारे पूछते हैं कि इस प्रोजेक्ट के आसपास क्या है, कहाँ बच्चे पढ़ने जा सकते हैं, कोई हॉस्पिटल है आसपास, नहीं है। सो जो लोग इस प्रोजेक्ट को फर्स्ट टाइम डिस्कवर कर रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी वीडियो हेल्पफुल रहेगा। जो इस प्रोजेक्ट की लोकेशन है दैट इज़ वेस्ट दिल्ली। दिल्ली के अंदर व्हाट वी हैव इज़ ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली एंड नॉर्थ दिल्ली, एंड उसके बीच में हम जिसको सेंट्रल दिल्ली बोलते हैं इट इज़ करोलबाग। सो द लोकेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज़ इन वेस्ट दिल्ली, एंड जो वेस्ट दिल्ली है दिस इज़ नियर टू सेंट्रल दिल्ली, बिल्कुल जस्ट करोलबाग वगैरह इससे 15-20 मिनट्स के रास्ते में पड़ता है। मेजरली अगर मैं लोकेशन की बात करूँ दिस इज़ द वेस्ट दिल्ली। सेकेंडरी इस प्रोजेक्ट की नियरेस्ट लोकेशन, द नियरेस्ट लोकेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज़ DDA पार्क। इस प्रोजेक्ट के जस्ट अगर मैं बाउंड्री की बात करूँ तो बाउंड्री में दो तरफ इसके DDA पार्क्स आ जाते हैं। बोथ ऑफ द साइड्स इट हैज़ DDA पार्क, एंड जो कि अप्रॉक्सीमेटली 120 एकर्स का ग्रीन एरिया है। दिस इज़ द मेन अट्रैक्शन या USP ऑफ दिस प्रोजेक्ट। एंड सबसे बड़ी बात, इस प्रोजेक्ट का जो ग्रीन पार्ट है, जितना ही ग्रीन एरिया है, ये आगे भी वैसा रहने वाला है। लगभग 65 ईयर्स के लिए DDA ने DLF को सारा मेंटेन करने के लिए दे रखा है ये सारा। इस प्रोजेक्ट के ईस्ट साइड और साउथ साइड की बात करूँ तो इट हैज़ DDA पार्क ओनली, बोथ साइड वी हैव DDA पार्क। इसका जो बैक साइड है नॉर्थ साइड वी हैव अ ड्रेन, एंड इसके राइट हैंड साइड में वी हैव अ सिटी टूवर्ड्स पंजाबी बाग, करमपुरा, ये सब एरिया पड़ जाता है। थर्ड पॉइंट अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट प्रोजेक्ट की, एंट्री एंड एग्जिट। सो वी हैव टू एंट्री एंड एग्जिट्स फॉर दिस प्रोजेक्ट। एक एंट्री जो हमारी आती है फ्रंट, जो मोतीनगर वाली रोड है, जो हमारी शिवाजी मार्ग की रोड है, उसके मेन रोड से एक एंट्री आती है, एंड जो दूसरी एंट्री है वो बिल्कुल जस्ट करमपुरा की जो मार्केट है उसके बैक से एंट्री आती है। सो वी आर हैविंग राइट नाउ टू एंट्री एंड एग्जिट्स फॉर दिस प्रोजेक्ट। सो फोर्थ पॉइंट वी कम इज विद पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। सो इस प्रोजेक्ट के जो पास वी हैव ऑल द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टेड। अगर मैं बात करूं बस स्टैंड की तो जस्ट इस प्रोजेक्ट के मेन गेट के ऑपोजिट में बस स्टैंड है। सेकेंडली अगर मैं बात करूं मेट्रो स्टेशंस की तो विद इन द 2 किलोमीटर्स ऑफ रेडियस वी हैव अशोक पार्क मेन मेट्रो स्टेशन, कीर्ति नगर, मोती नगर, ऑल दीज मेट्रो स्टेशन आर इन विद इन 2 किलोमीटर्स ऑफ रेडियस। एंड अगर मैं बात करूं रेलवे स्टेशन की तो वी हैव न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन विद इन 8 किलोमीटर्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट। एंड अगर मैं बात करता हूँ एयरपोर्ट की तो वी हैव अप्रॉक्सीमेटली 15-16 किलोमीटर्स में एयरपोर्ट भी इस प्रोजेक्ट के पास है। सो दिस प्रोजेक्ट इज वेल कनेक्टेड विद द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। फिफ्थ पॉइंट मैं बात करता हूँ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की। गॉड फॉरबिड कोई भी हमारा बीमार हो जाए घर में तो सबसे पहले हमें माइंड में हॉस्पिटल जाना आता है। इस प्रोजेक्ट के जो बिल्कुल नियर है दैट इज़ विद इन 4 किलोमीटर वी हैव अ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल विच इज़ गंगाराम हॉस्पिटल, जहाँ पे आज के डेट में दूर दूर से पेशेंट्स आते हैं फॉर थेयर हेल्थ केयर पर्पज। एंड छोटे हॉस्पिटल्स इस प्रोजेक्ट के आसपास बहुत सारे हैं। सिक्स पॉइंट मैं बात करता हूँ एजुकेशन की। अगर आपके बच्चे इस प्रोजेक्ट में रह रहे हैं कुछ है तो उनके लिए एजुकेशन आसपास कहाँ है, तो अगर मैं बात करूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी है, प्रोजेक्ट के जस्ट साथ में ही है विद इन 0.5 किलोमीटर्स, एंड देर आर सेवरल स्कूल्स एंड कॉलेजेस नियर बाय दिस प्रोजेक्ट। लगभग इफ आई से कि 4 किलोमीटर्स के रेडियस में वी हैव 3-4 स्कूल्स एंड कॉलेजेस। ऑल्सो इस प्रोजेक्ट के आसपास काफ़ी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो कि प्राइवेट स्टडीज़ या कॉरेस्पॉन्डेंट स्टडीज़ को प्रमोट करते हैं। एट पॉइंट मैं बात करता हूँ डेंसिटी की, जो कि कोई भी उस डेंसिटी को नहीं स्टडी करता, लोकेशन को तो हर कोई स्टडी कर लेता है, बट अगर मैं इस लोकेशन के एनालिसिस की बात करूँ तो वी हैव टू स्टडी द डेंसिटी ऑफ दिस प्रोजेक्ट ऑल्सो। सो अगर मैं बात करता हूँ इसकी प्रोजेक्ट की डेंसिटी क्या है, डेंसिटी मीन्स कि पर कुछ एरिया के अंदर कितने लोग रह रहे हैं, मतलब इफ़ आई से कि 1 किलोमीटर में 1000 लोग हैं और दूसरे प्रोजेक्ट में 1 किलोमीटर में 10,000 लोग हैं, सो विच वन इज़ बेटर। ऑब्वियसली वी विल से कि हाँ, जिसमें ज़्यादा जगह में कम लोग हैं। सो अगर मैं बात करूँ इस प्रोजेक्ट की तो ये 33 एकर्स का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर वी हैव 2870 अपार्टमेंट्स टू बी प्रिसाइज। सो अगर मैं एक एवरेज आउट करूँ तो इसके अंदर वी हैव, अगर मैं 4 लोग एक फैमिली में मान के चलूँ, सो वी हैव अप्रॉक्सीमेटली 11,480 फैमिलीज इन दिस प्रोजेक्ट। सो इन 11,480 फैमिलीज के लिए हमारे पास प्रिसाइजली 1,33,546 स्क्वायर फीट का एरिया है। सो अगर मैं इसका डेंसिटी निकालता हूँ तो फॉर वन पर्टिकुलर पर्सन
वी आर हैविंग 11.6 स्क्वायर मीटर ऑफ एरिया. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एनालिसिस फॉर लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है डेंसिटी इज एक बंदे के लिए वी हैव 11.6 स्क्वायर मीटर ऑफ एरिया. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोजेक्ट एंड ये सब मेरे लोकेशन एनालिसिस अकॉर्डिंग टू माई बिलीफ एंड अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस. आई एम नॉट सेइंग कि ये एनालिसिस मैंने करा है तो इट इज़ राइट. इट कैन डिफर टू पर्सन अकॉर्डिंग टू द नीड्स. सो फॉर एनी काइंड ऑफ बुकिंग इंक्वायरी फॉर एनीथिंग यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस अबाउट नंबर. आई विल बी हैप्पी टू असिस्ट.